है। वो कहते हैं आप लेने नहीं आए जब हमने अपने क्लर्क को बता दिया कि हम आपके पास बारहा मरतबा आए हैं लेने के लिए और आपने हमें नहीं दी ना ऑर्डर की कापी पिछली दो तारीखों की ना ही रिपोर्ट की कापी और उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो कह रहे थे कि नहीं हम मसरूफ थे कुछ और मामला में भाई अगर आप मसरूफ थे तो हमें बता दें हम किस जगह से लेने जाए क्या आपके घर लेने आए ये अल्फाज भी हमने उनको कहे लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की कुर्सियाँ रखने के बावजूद आर्डर अनाउंसमेंट के लिए वो खुद तशरीफ नहीं ले आए एक एक अहलकार को भेज दिया गया कि जाए जी हमारा ऑर्डर पढ़ के सुना दें यह काबिल अफसोस बात है अगर आपने इंसाफ का कत्ल इस अंदाज से करना है अगर आपने भी सुने बगैर फैसले करने हैं अगर आपने भी यक तरफा फ़ैसलों को की एक रिवायत कायम करनी है अगर आपने इंसाफ का कत्ल करना है तो ये आइन की बालादस्ती नहीं है ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है मैं ख़ुद इसमें हर तारीख में पेश होता रहा हूँ और मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट्स दें अगर कोई कॉन्फिडेंशलिटी है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा है कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है हम उसकी कॉपी देंगे और उसके ऊपर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे लेकिन ये यक तरफा फैसला हमें सुना दिया गया और बदकिस्मती से ये कोई पहला फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का हमारे खिलाफ इमरान खान के खिलाफ या पी टी आई के खिलाफ यक तरफा फैसला आप इससे पहले देखिए जो इन्होंने तोशाखाना वाला केस में हमारे खिलाफ फैसला दिया पिछले साल ये वो फैसला है कि जिसके ऊपर यानी हमने तमाम मामला तमाम अकाउंट्स की तफसीला हम इनको पहुंचा चुके हैं और टाइम बाड इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दे के उसको इलेक्शन कमीशन को उसके बाद कंप्लेंट भेज दी और वो आज तक किसी पार्टी लीडर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जिन्होंने ना सिर्फ तोशाखाना से तइफ़ लिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए बल्कि गाड़ियाँ ली तोशाखाना से जो कि एक जुर्म है किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं सिवाय इमरान खान के इसी तरह आप देखेंगे फॉरन फंडिंग वाला केस सिवाय पी के खिलाफ फैसला करने के जबकि हनीफ़ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट आज से पांच साल पहले ये डिक्लेयर कर चुकी है कि सब पोलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स अक्रॉस एक बोर्ड मुकम्मल तौर पर इकट्ठे आपने इनको डिटरमिन करना है और इनको चेक करना है आज तक किसी के अकाउंट्स ना चेक किए हैं ना ही किसी के खिलाफ फैसला आया है सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि किसी भी पार्टी के यानी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को यकतरफा तौर पर कह दिया गया कि नहीं जी ये कानून के मुताबिक नहीं है आप दोबारा कराएं और दोबारा का टाइम कितना दिया सिर्फ बीस दिन जबकि इमरान खान पता है वो जेल में है और ये पता है कि आज कल हमारे लोगों को उठाया जा रहा है तशद किया जा रहा है लेवल प्लैंग फील्ड नहीं दी जा रही जो काम है इनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना वो ये नहीं कर रहे जबकि वो सारे काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से पीटीआई को क्रश किया जा सके पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए पीटीआई के खिलाफ हर वो फैसला बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो खिलाफ आइन भी है और खिलाफ कानून भी है वो फैसला फरमा रहे हैं सबसे बड़ा अगर आइनी अदारा जिसकी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है अगर वो इतना बायस्ड होगा इतना यक फैसले करेगा मीडिया के सामने यक फैसले करेगा तो काबिल अफसोस है कि फिर उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक होगी लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है तो वो कहते हैं ये तोह इलेक्शन कमीशन है फिर आप देखा कि तोहन इलेक्शन कमीशन का वाहिद मुकदमा है जो इमरान खान के खिलाफ किया गया अगर तोहन इलेक्शन कमीशन अख्तियार है आपका तो पिछले साल जिन्होंने आपको फंडस नहीं दिए इलेक्शन कराने के लिए आपने क्यों उनके खिलाफ नहीं किया जिन्होंने आपको कहा कि हम आपका इलेक्शन नहीं होने देंगे 90 डेज़ में आपने क्यों उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 30 डे नाइन्टी डेज़ में इलेक्शन कराएं तो आपने नहीं कराए और आपने बहाना ये किया कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है नफरी नहीं है तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लिया तो तोह अगर की पावर आपके पास है तो क्या सिर्फ ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के अलावा भी कोई इदारा या कोई शख्स है जिसके ख़िलाफ़ आपने इस्तेमाल करना है मेरा ख्याल है कि ये यकतरफा प्रोसीडिंग काबिल अफसोस बात है और इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ कि यह नहीं होना चाहिए आइन और क़ानून की बालादस्ती होनी चाहिए ना कि आइन और कानून का दोहरा मैार होना चाहिए और इसके साथ आप देखेंगे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त जो 11 महीने पहले हमने जमा कराई थी यानी तोशाखाना के इस केस के खिलाफ जो हमने रिट पटिशन फाइल की थी और दूसरी रिट पटीशन हमने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी हमने यहाँ कहा कि हम वो एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं आज 11 महीने बाद वो एप्लीकेशन वापस करने की दरख्वास खारिज कर दी जबकि जबकि के दूसरे केस में मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जब नैब ने अपील फाइल की और यहां आकर कहा कि हम अपील वापस लेना चाहते हैं तो आधे मिनट के अंदर आधे मिनट के अंदर वो अपील वापस दे लेने की इजाज़त उनको मिल गई क्यों ये क्या जब करप्शन होती है वो तो होती है स्टेट के अगेंस्ट करप्शन तो होती है रियासत के अगेंस्ट करप्शन तो होती है मेरा आपका पैसा खाया जाता है उसको आप अपने मेरिट में डिसाइड करते हैं ना के सिर्फ नैब की मिली भगत से नैब ने कहा हम आप अपील वापस लेना चाहते हैं तो आपने लाउ कर दिया जबकि हमारे वाले मुकदमे में हमने अनकंडीशनल कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारा मैटर पेंडिंग है हम आपसे कोई क्लेम नहीं मांगते कोई रिलीफ नहीं चाहते आप हमें वापस कर दें वो कहते हैं हम आपको वापस नहीं देते इसी तरह आपने देखा कि हमने तोशाखाना वाले केस में जब आके अप्लाई किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास कि जनाब हमारे जो गवाहान की फहरिस्त है वो पहले रेलिवेंट थी बाद में उन्होंने रेलीवेंट कर दी हमारे गवाह ही नहीं आएंगे तो हम अपना केस कैसे साबित करेंगे तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपके केस में वजन है और नोटिस कर दिया अगले हफ्ते का और साथ ही रख दिया कि कल की तारीख में इस केस का फैसला भी कर दें एक दिन में भाई जब आप नोटिस कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए हमारे गवाहान आने चाहिए तो फिर आप अगले हफ्ते तक इसको ले जाए नहीं जी आज कल ही फैसला करते हैं और न सिर्फ वो कहा साथ ही उसी दिन ये भी फैसला कर दिया कि जनाब हमायूं दिलावर मुतासिब जज साहब ये फैसला करके वो लंदन तशरीफ ले जाए और एक जज जो जा रहे थे उनको हटा के उनके जगह पर इनको भेज दिया यानी मेनूपलेट करके अगर आपने इस तरह फैसले लेने हैं तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है फिर नाइन्थ मे को क्या हुआ नो मई को ये इंसाफ और कानून का दोहरा आपको बता रहा हूं नो मई को दहशत गर्दी के जरिए इमरान खान को किडनेप किया गया अमले को तशद्द का निशाना बनाया शीशे तोड़े गए वकीलों को तशद का निशाना बनाया सी सी टी वी फुटेजेज उठा के ले गए और कहा कि जी नैब के वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन करानी है और वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए जब बुलाया गया नैब को कि उनका तो कोई बंदा नहीं था तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज दिया था जब इंटीरियर सेक्रेटरी को बुलाया गया उन्होंने कहा हमारे तक तो कोई लेटर ही नहीं पहुंचा। फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है वो रेंजर्स किस की इजाज़त और किस की मर्जी से और किस के हुक्म से इमरान खान को गिरफ्तार करने आए थे लेकिन रात को फैसला ये आया कि जनाब नहीं ये तरीक़ाकार तो गलत था लेकिन गिरफ़्तारी दुरुस्त है और जायज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ कहा कि नहीं ये टोटल गलत है गैर आइनी है और गैर कानूनी है और जिसके ऊपर हम कहेंगे एक काइंड ऑफ चार्ज शीट बना दी गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ फिर आप यहीं तक काम महदूद नहीं रहा आज से तकरीबन दस महीने पहले साजिद नामी पटिशनर ने एक पटिशन फाइल की है जिसमें कहा गया है कि जनाब तरियान वाले पे इनको नाहल किया जाए इमरान खान को उसके ऊपर इतराज़ हुआ आमिर फारूक़ साहब के ऊपर उन्होंने कहा ठीक है हम थ्री मेंबर बेंच बना देते हैं थ्री मेंबर बेंच बनता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कीनी अरबाप तार साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और आमिर फ़ारूक साहब अपना फैसला देते हैं हमारे अगेंस्ट दो जज साहबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कीनी और बाप ताहिर साहब फ़ैसला देते हैं हमारे हक़ में जजमेंट फाइनल हो जाती है वो वेबसाइट पर आ जाती है वेबसाइट पर आने के बाद एक दिन बाद प्रेस रिलीज के जरिए यह कहा जाता है कि हम नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जबकि ये हो नहीं सकता आइन के मुताबिक और आज तकरीबन आठ महीने गुजरने के बावजूद वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली ये जुडिशल मिसकंडक्ट है ये तरीका कार नहीं होना चाहिए इसी तरह आपने देखा साइफर वाले केस में जब जेल ट्रायल का हुक्म हो गया ये उसी तरह का हुक्म है जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने फरमाया है आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल जेल ट्रायल दुरुस्त है जब वो जेल ट्रायल वाले ऑर्डर को चैलेंज किया डिवीजन बेंच में जस्टिस मियाँ गुल हसन और जेब की सरबराही में तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये टोटल गलत है जेल ट्रायल और ओपन कोर्ट ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है लेकिन वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है इसी तरह कोई भी केस आज तक ऐसा नहीं है जो आमिर फारूक साहब ने इनकार किया हो इसके बावजूद कि हमने बारह उनको लिख के दिया है कि आप हमारे केसेस ना सुने और आप फैसला ना करें देखें अगर इंसाफ़ के निज़ाम के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए तो फिर अफरा तफरी होती है फिर इंतशार होता है फिर बददीली होती है फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है फिर मायूसी होती है और उसका नुकसान ये होता है कि ये वाद एक अतमाद का अदारा होता है वो है इंसाफ़ का निज़ाम जिस मुल्क से इंसाफ का निज़ाम उठ जाए यानी वो हजरत अली का कौल आप सामने रखें कहा गया कि कुफर के निजाम के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है लेकिन जुल्म के इंसाफ के जुल्म के साथ नहीं रह सकता इंसाफ की जिद जुल्म है आज जो कुछ हो रहा है चादर चार दीवारी के पामाली हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा जब मैंने यहाँ बारहा कहा इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई वर्कर कन्वेंशन की भी इजाज़त नहीं है जहाँ हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं अगले दिन पर्चा हो जाता है सेम डे पर्चा हो जाता है जबकि पूरे पाकिस्तान में तमाम पोलिटिकल पार्टीज को जलसे से करने की इजाज़त है हमारे लोग आज भी उठाए जा रहे हैं आज भी अदालतों में नहीं पेश किया जा रहा आज भी हमारे कई दोस्त उठाए गए हैं पिछले दो तीन दिन पहले आज पटिशन फाइल कर रहे हैं यहाँ तो बात यह है कि अगर इस तरह ये इलेक्शंस की तरफ आप जा रहे हैं आज इस जबर और खौफ की फिजा में जब आपकी एक सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी को जो कि फेडरेशन की अलामत है पी टी आई आज नब्बे परसेंट अवाम इमरान खान और पी टी आई के साथ खड़ी है अगर आप उसको इजाजत नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं, अगर आज आप उनको ये इजाजत नहीं देते कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें तो मुझे बताएं इस निजाम इंसाफ के ऊपर या इस इलेक्शन के ऊपर एतबार कौन करेगा फिर इस दम इस्तकाम को ख़त्म कैसे करेंगे फिर क्या आप माशी मसाइल को हल कर पाएंगे क्या आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को एक स्टेक नहीं लगा रहे क्या आप इस मुल्क की जड़े खोखली नहीं कर रहे क्या आप